हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स किए थे, बेसिक रिजल्ट्स कि कैसे सब्ट्रैक्ट करें कि रिजल्ट आ जाए। आज हम कुछ दूरदृष्टिता वाली बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि ये नहीं कि उसको सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन में ट्रिक होती है कि आप उसको इजिली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम मेथड देखेंगे कि इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप सबसे कि हमें अपने माइंड से ये निकालना है कि मैथ्स जो है वो टफ होता है। मैथ्स बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, इजीली हम इसको कर सकते हैं। वो बात अलग है कि कई बार हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स धीरे धीरे हमारे माइंड में ये फिट कर देते हैं कि वो मैथ्स पता नहीं कितना टफ सब्जेक्ट हो, तुझसे तो होगा ही, बार बार कहने से तुझसे नहीं होगा नहीं होगा, वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। और वो माइंड में सेट होने से हम भी ये सोचते हैं, अरे भैया मेरे बड़े भैया या मम्मी या पापा या रिलेटिव में से कोई अंकल आंटी ये कह रहे हैं कि टफ है तो टफ होगा। लेकिन वहम है, और उनका वहम आप उनको तोड़ के दिखाएं और ये कहें कि बिल्कुल ईजी है, बस थोड़े दिनों की बात है, स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। और एक दिन आप कहेंगे कि मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट्स के साथ चलना है। बेसिक नॉलेज जो है हमारी, अगर वो ओके हो जाती है, बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तो आगे कहना ही क्या है फिर। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप काम करते रहें, इजीली आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की जो ट्रिक्स हैं हमारी, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं। सब्ट्रैक्शन में कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट देख के सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल जो मेथड था वो आप लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हो। आज जो ट्रिक्स हैं कि इजीली हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर। अगर हमें कोई एक नंबर दे दिया जाए, टू डिजिट नंबर, और उसका रिवर्स दे दिया जाए और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा। तो सिंपल सी ट्रिक है कि टू डिजिट नंबर में से अगर हम उसका रिवर्स नंबर, क्या होता है भाई, 75 है कोई नंबर, तो इसका जो रिवर्स नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 57। टू डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर में से, टू डिजिट नंबर में से अगर उसका रिवर्स नंबर माइनस करते हैं तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, मतलब उसकी जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस लें और उसको इज मल्टीप्लाइड बाई 9 और 9 से मल्टीप्लाई कर दें। भाई आपको पता है टू नंबर है, मान लो हमारे पास नंबर होता है एक्स वाई, पहली डिजिट एक्स है दूसरी डिजिट वाई है, तो एक्स और वाई को डिफरेंस ले उन डिजिट्स का और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ये आप देख रहे हो 43 माइनस 34, तो आपको पता है रिवर्स नंबर है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस 3 हम लिख रहे हैं, लेकिन आपको पता है 4 माइनस 3 तो डायरेक्ट करोगे 1, यानी 9 into 1 क्या आ जाएगा, 9। फिर है 96 माइनस 69 रिवर्स है, तो यानी 9 into 9 और 6 का डिफरेंस, अब लिखने की जरूरत नहीं है 9 और 6 का डिफरेंस, 9 में से 6 माइनस करते हो तो क्या होता है 3, 9 into 3 27 हो जाएगा। फिर है 83 माइनस 38, 83 की रिवर्स डिजिट 38, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5 क्या होता है 45। अब 9 भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, इजीली आप कर पाएंगे। सीरियसली करें, 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स प्रैक्टिस डेली कर लें, 1 to 2 months, 60 डेज लगा लो, 60 डेज में आपको मैथ्स बिल्कुल ईजी लगेगा और इजिली आप फिर आगे कहीं किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मैथ्स में कहीं कोई भी क्वेश्चन हो उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो केवल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गलती करता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो कोई गलती नहीं होगी, तो वो मैथ्स ईजी लगने लगेगा। और जैसे जैसे मैथ्स ईजी लगने लगेगा मजा आ जाएगा, और इंटरेस्ट के साथ आप करेंगे तो मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा, ये दावा है मेरा। स्टेप बाय स्टेप करते रहे, ट्राई योरसेल्फ, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ ए 3 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर। अगर कोई 3 डिजिट नंबर में से रिवर्स
अगर डिजिट्स का नंबर है उसको माइनस करें तो क्या होगा, क्या करें, थ्री डिजिट्स नंबर में से माइनस करें उसकी रिवर्स डिजिट करके जो नंबर आएगा वो, तो वो क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज मल्टीप्लाइड बाई 99। एक्सट्रीम डिजिट्स का मतलब क्या है, 5, 2, 3 अगर नंबर है तो ये इसकी एक्सट्रीम डिजिट्स कहलाएंगी, लास्ट वाली ये फर्स्ट होगी, एक लास्ट वाली होगी, 5 और 3 इसकी एक्सट्रीम डिजिट्स कहलाएंगे। इनका डिफरेंस लेना, यानी 523 में से अगर 325 माइनस करना होगा तो एक्सट्रीम डिजिट्स क्या हो जाती है, 5 और 3, तो 5 और 3 का डिफरेंस लेंगे और उसको 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाले में क्या कर रहे थे, 2 डिजिट नंबर में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दोनों डिजिट्स को कर रहे थे, लेकिन अब 3 है तो तीनों को तो कर नहीं सकते, क्या कहते हैं कि जो ये एक्सट्रीम डिजिट्स हैं इनको माइनस करो और 99 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्या हो जाता है 2 into 99, और 2 into 99 198। अगर डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जैसे ये 2 into 99 है ना, तो जो यहां लिखा हुआ है वही हम 200 में से, 2 लिखा हुआ है तो 200 में से 2 माइनस कर दें, अगर यहां 3 into होगा तो 300 में से 3 माइनस कर दें। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि जिसको हम यहां 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 200 में से 2, 2 into 99 सॉल्व करना थोड़ा सा वो लगेगा, तो 200 में से 2 माइनस कर दो, अगर यहां 5 आ जाता है, 5 into 99 आ जाता है, तो 500 में से 5 माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगी 614 minus 416, रिवर्स है, तो 6 और 4 का डिफरेंस, यानी 6 minus 4 into 99, यानी 2 into 99, और 2 into 99 तो मल्टीप्लाई करो या क्या करो, 200 में से 2 माइनस कर दो, और 200 में से 2 माइनस करोगे तो वो 198 हो जाएगा। विदाउट पेन पेपर 935 539, 9 और 5 में से 9 माइनस करेंगे 9 में से 5 तो क्या हो गया 4 into 99, तो या 400 में से 4 माइनस कर दो, भाई 4 into 99 कहें या सीधा सा क्या पता चल गया, 400 में से 4 माइनस कर दो। मैं डायरेक्ट यहां ट्रिक में ये भी बता सकता था, लेकिन क्या है कि साथ में हमारे बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट बनता है, नहीं तो सीधा क्या करता कि जो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके वही माइनस कर दो, लेकिन वो याद मत करना, याद हम यही रखें कि भाई डिजिट्स जो है एक्सट्रीम डिजिट्स उनका डिफरेंस लें और उसको 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमें ये पता होना चाहिए बस इसका मतलब क्या है कि 400 में से क्या करें, 400 में से 4 माइनस कर दें, यानी 396, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। मजा आ रहा है, सो ऐसे ही आप इनको कर सकते हैं, ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन नंबर्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम एक्सेप्ट फर्स्ट डिजिट, अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो फर्स्ट डिजिट को छोड़ दो, ये 7 है और ये 6 है, अगर इन लास्ट की जो डिजिट्स है इनको छोड़कर रिमेनिंग जो नंबर है अगर वो अप्रोक्सीमेटली सेम है तो आप उस पर ध्यान दें। क्या है, ये 44 है और ये 55 है, तो 55 जो है वो 41 से 1 एक्स्ट्रा है, 1 अधिक है, एक्स्ट्रा 55 44 से 1 एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है, एक ज्यादा है, तो हम 700 में से 600 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो 100 में एक ज्यादा था, एक और माइनस कर देंगे, यानी ये जो 54 और 55 है हम इसमें क्या देखें कि ये जो 54 और 55 है इसमें क्या डिफरेंस है, एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा वो माइनस करना है हमने, तो 700 माइनस 600 क्या हो जाता है 100, तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 99, 1 एक्स्ट्रा है तो वो माइनस करना पड़ेगा, इसी वजह से ये 78 है और ये 83 है, ये 78 और 83 है, 78 83 से 5 हो जाता है इसमें, 83 जो है वो 78 से 5 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 800 और 500 में माइनस करेंगे 800 में से 500 तो क्या हो जाएगा 300, और 5 और है ये तो ये 5 और हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा है 5, अगर ये वाली वैल्यू 5 ज्यादा होती तो 5 ऐड करते, यहां जो पार्ट है ये पार्ट अगर ज्यादा होता तो ऐड करते, तो ज्यादा ये पार्ट है, माइनस वाला पार्ट ज्यादा है, माइनस वाला जितना पार्ट ज्यादा है उतना ही और माइनस कर देंगे, प्लस वाला पार्ट ज्यादा होता तो
ऐड कर देते, प्लस वाला पार्ट ज्यादा होता तो प्लस वाला पार्ट ऐड कर देते, लेकिन ये माइनस वाला जो ये है ये 78 था, ये 83 था, ये 78 83 था, तो ये 83 5 एक्स्ट्रा है तो माइनस करना पड़ेगा। इसी वे में ये जो है क्या हो जाएगा, 300 में से 5 माइनस करना तो आपको पता ही है 295 आ जाएगा। फिर है 54 और ये 51, 54 और 51 यहां से ये, इसमें 54 में से 3 माइनस करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा है, 54 वाला पार्ट ज्यादा है, तो 54 पहले वाला पार्ट ज्यादा है तो जितना ज्यादा वाला पार्ट है उतना ऐड कर देंगे। ये 3 का डिफरेंस है ना, इनमें डिफरेंस 3 का है, तो 600 माइनस 500 क्या होगा 100, और 100 में 3 ऐड कर देंगे, 100 में 3 ऐड करेंगे तो 103 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इस साइड वाली वैल्यू ज्यादा है, माइनस करने वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो माइनस करेंगे, प्लस करने वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो प्लस करेंगे। कितना है डिफरेंस, चाहे प्लस माइनस साइन काम कर, डिफरेंस लगो, ये डिफरेंस देख लो, डिफरेंस 3 का है, पहले वाली वैल्यू ज्यादा है तो ऐड कर दो, दूसरे वाली वैल्यू ज्यादा है तो माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस हो, लास्ट डिजिट को छोड़कर रिमेनिंग वाला पार्ट। केवल यही नहीं, अगर मान लो मेरे पास होता 6 1 2 3, सब लिखते हैं 6 1 2 3, इसमें से मुझे माइनस करना होता 2 1 2 0, अगर ये माइनस करना होता तो क्या आता, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें ये देखो ये है 123 और ये है 120, ये है 123 और ये है 120, इनमें जो गैप है वो 3 का गैप है, ये वाला पार्ट ज्यादा है 3, पहले वाला पार्ट 3 ज्यादा है, तो ये हो गया 6, वहां 100 चल रहा था, ये हो गया 6000, यानी 6000 में से कितना माइनस कर दो 2000, 6000 में से कितना माइनस कर दो 2000, लेकिन 3 पहले वाले में ज्यादा है ना, तो वो 3 ऐड करोगे, यानी 6000 माइनस 2000 4000, और 3 और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4003। ये हम लिख के कर रहे हैं लेकिन बाद में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे ट्राई और सेल्फ वाले में से देख लेते हैं, ये 55 है और ये 56 है, ये 55 है ये 56 है, ये 1 पहले वाला एक्स्ट्रा है, 400 माइनस 100 300, और 1 और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो 301 डायरेक्ट आप लिख पाएंगे। ये 85 है, ये 90 है, ये 85 है, ये 90 है, यानी बाद वाला जो दूसरा नंबर है वो 5 ज्यादा है, तो 300 माइनस 100 200, तो बाद वाला ज्यादा है तो 200 में से 5 माइनस कर दोगे, 200 में से 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 195। लिखना नहीं है, प्रैक्टिस से हमें पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि इस ट्रिक में क्या कहना चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग माइंड सेट करें और उन क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे दूरदृष्टिता वाली जो बात आती है, धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि हमारा माइंड अपने आप कितना ज्यादा सोचने लग गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे एक आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 73 प्लस 684 माइनस 75, इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी, एक तो क्या होगा आंख बंद करके पहले इसमें 73 ऐड करने लग जाए, फिर 75 माइनस करने लग जाए, लेकिन एक देखें ये 73 और ये 75 है, हमें पता है कि ये 75 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका मतलब है इसको मैं सीधा कर दूं 684 ये वाला वैल्यू 2 ज्यादा है ना, ये 73 है ये 75 है, माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, भी एक तो पहले 73 ऐड करते फिर 75 माइनस करते, हम केवल इन 2 वैल्यूज को लें, ये माइनस 2 हो गया तो मैं 684 में से 2 माइनस कर दूं तो 682 हो जाएगा, डायरेक्ट करें हम इसको। इसी वे में ये पार्ट है, ये 119 है, ये माइनस 116 है, वो इसको सोल्व करें, 119 में से 116 माइनस करें, 119 में से 116 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3, और प्लस में क्या रह गया 589, और 589 में 3 ऐड करोगे तो 5592, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 592। इसी वे में यहां आप देख रहे हो ये 217 है, ये माइनस 220 है, 217 220, ये 3 एक्स्ट्रा है, यहां इस वाले पार्ट में 3 एक्स्ट्रा है, ये 17 है ये 20 है, तो यानी माइनस के 3 एक्स्ट्रा, उसमें प्लस वाला पार्ट, पहले वाला पार्ट एक्स्ट्रा होता था तो प्लस कर देते थे,
इसमें बार वाला पार्ट में एक्स्ट्रा है, माइनस के 220 है, 217 से 3 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 768 में से 3 जो एक्स्ट्रा था वो माइनस कर देंगे, तो 768 में से 3 एक्स्ट्रा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 765, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट इज वही सेम बात है कि अगर x की वैल्यू क्या है 528 प्लस 611 प्लस 359 और y इक्वल टू क्या है 522 प्लस 607 प्लस 351, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y। बच्चे क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे और फिर x में से y को माइनस करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आप देखें क्या जरूरी है हमें सबको ऐड करना, हम पहले ये देखें 528 है और ये 522 है, 528 में से 522 माइनस कर दो, 528 में से 522 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 6, फिर ये क्या है 611 और ये क्या है 607, 611 में से 607, 611 में से 607 माइनस करना आता ही है, 4 हो जाएगा प्लस का 4, फिर ये क्या है 359 और ये क्या है 351, 359 में से 351 माइनस कर दो, 359 में से 351 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 18, यानी जो x माइनस y फाइंड आउट करना था वो मेरे पास क्या आ जाएगा 18, तो 18 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर जो फाइंड आउट करना चाहते थे। इसीलिए में नेक्स्ट पार्ट है, ये है 424 और यह है 412, माइनस करना है 424 में से 412, 424 में से 412 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 12, फिर यह है 581, यह है 583, ध्यान दे 581 में से 583 माइनस करना है, वो वाला पार्ट बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया 2, तो हम 2 माइनस कर देंगे इसमें से, फिर नेक्स्ट क्या है ये क्या है 679, यहां क्या है 673, ये 79 है ये 73 है, तो इसमें से अगर इसको देखो, इसमें से आप इसको देखते हो तो ये 6 एक्स्ट्रा है, प्लस 6 है तो इसमें प्लस 6 कर दो तो क्या हो गया 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10, 10 प्लस 6 16, यानी जो ये x माइनस y फाइंड आउट करना था तो x माइनस y जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, तो 16 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो इसी टाइप में ये टू क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और इसके अलावा भी अपने मन से जो मन में आए वो लिखें, बस ये करें कि यहां जो वैल्यू लिखे वो इसके नियर अबाउट वैल्यू लिख लें और उनको आप सॉल्व करके देखें क्या वैल्यू आती है, इजीली आप कर। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर फ्रॉम ए गिवन नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डेसिमल वाला जो पार्ट होता है इसको सॉल्व करने में बच्चे गड़बड़ करते ही करते हैं, लेकिन अगर हम इसमें ये सोच लें कि हमने करना क्या है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कि ये पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद, तो ये जो 85 है इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा 84, 85 में से 1 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा 84, और यहां मैं क्या सोच लू कि पॉइंट के बाद 10 है, लेकिन इसका मतलब पॉइंट 10 नहीं है, पॉइंट लगाए नहीं, पॉइंट लगाने से गड़बड़ हो जाएगी, 10 है क्योंकि पॉइंट से समझेंगे तो 1.1 समझेंगे और इधर 0.1 में से 0.5 माइनस करना आपको मुश्किल लगेगा, आप ये सोचो ये क्या है 10, 10 में से 5 माइनस करोगे, 10 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5 पॉइंट, अब ये जो 84 है और ये 34 है, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट वाला काम खत्म हो गया, इसमें से 1 माइनस कर दिया, पॉइंट वाले पार्ट में से 10 में से पॉइंट वाला पार्ट ये माइनस कर दिया और ये पार्ट आ गया मेरे पास 0.5, एक डिजिट के ही कर रहे हैं, अगर टू डिजिट के होते तो 100 माइनस कर देते, 1 माइनस करते, अब 84 में से 34 को माइनस करना है, 84 में से 34 को माइनस करोगे और 84 में से 34 आपको पता ही है 50 होता है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 50.5, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा 50.5, तो ये आप इस वे में कर सकते हो। इसी वे में जैसे ये 92 है, 92 में से 58.4 माइनस करना है,
तो एक तो इसमें से 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 91। और ये 0.4 था ना, यहां समझो ये 10 है, 10 में से 4 माइनस करना है, 10 में से 4 माइनस करना है, आपको पता है 6 होता है, तो 6 पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है कि ये जो 91 है, 91 इसमें से ये जो 58 है, 58 ये माइनस करना है, 91 में से 58 हम पहले कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। 58 प्लस 2 60 होता है, 31 प्लस 2 33 हो जाएगा, 31 प्लस 2 33 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 33.6। मतलब पहले वाली वैल्यू में से 1 माइनस कर दिया, डेसिमल वाले पॉइंट के साथ इस पार्ट को सॉल्व कर दिया। वेरी इजी है, बस ट्रिक समझ में आनी चाहिए क्या कहा गया है। जैसे यह है 97 में से 35.5 माइनस करना है, तो 97 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 96, पर ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा पॉइंट के साथ, 10 में से 5 माइनस करोगे तो पॉइंट के साथ 5 हो जाएगा। अब ये 96 है और ये 35 है, ये 96 है और ये 35 है, 96 में से 35 माइनस कर दो, 96 में से 96 में से 35 माइनस करो तो ये 6 और 1 61 हो जाएगा, यानी 97 में से 35.5 माइनस करोगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 61.5। कॉन्सेप्ट पता चल जाए, इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये है 75 में से 46.8, 0.8 है तो इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 74, 10 यहां आ गया, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा पॉइंट के साथ। अब आपने 74 में से 46 को माइनस करना है, 74 में से 46, 46 और 4 क्या होता है 50, 46 और 4 50 होता है, 4 4 इसमें ऐड करेंगे, 4 इसमें ऐड करेंगे यानी 78, यानी इसको मैं क्या कह सकता हूं 78 में से 50 माइनस करना है, और 78 में से 50 माइनस करना मतलब 28, तो ये क्या आ जाएगा 28। ये समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, बाकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, स्पीडली कर पाएंगे। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट ए फ्रैक्शन फ्रॉम ए गिवन नंबर। अगर कोई फ्रैक्शन में गिवन है 7/16, 5/23, 2/17, 3/29, अगर ये माइनस करना है तो कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी ट्रिक है। क्या करना है, 1 में से अगर है तो ट्रिक बनती है, आगे हम दूसरे नंबर भी ले रहे हैं। तो क्या बनता है कि जो 1 में से अगर 6/17 माइनस करना है तो आप क्या करो, 17 में से 6 माइनस कर दो, 17 में से 6 माइनस कर दो, क्या आता है 17 में से 6 माइनस करोगे तो 11, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 11/17, डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम एज इट इज आ जाएगा 11/17, सीधा डायरेक्ट आंसर। इसी वे में ये 23 है और ये 5 है, 23 में से 5 माइनस करोगे तो 23 में से 5 माइनस करोगे तो क्या होगा 18, ये क्या आ जाएगा 18/23। नेक्स्ट जो है वो मेरे क्या है 5 माइनस है, तो 5 माइनस है लेकिन मैं 1 में से कर सकता हूं, तो इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 4+1-2/17, 5 को क्या लिख दिया 4+1। और अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पहले वाला क्वेश्चन हो गया, यानी 4 प्लस इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा 17 में से 2 माइनस करोगे, 17 में से 2 माइनस करोगे तो क्या होगा 15/17, या इसको क्या लिख सकते हो 4 and 15/17, तो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे है। नेक्स्ट है 8-3/29, तो 8 को क्या लिख सकते हो 7+1-3/29, और ये वाला जो पार्ट है इसके लिए आपको पता ही है, ये 7 एज इट इज, और ये जो पार्ट है 29-3, 26, यानी +26/29, यानी 7 and 26/29, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, बस ट्रिक समझ जाए उसके बाद कुछ भी नहीं, कैसे करना ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट बेस एंड कॉम्प्लीमेंट, बेस एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में, क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट होता है बेस एंड कॉम्प्लीमेंट, बेस नंबर हमने एडिशन में भी इसको डिस्कस किया था, एडिशन वाले जब हम डिस्कस कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन में भी कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें
मल्टीप्लीकेशन करते हुए बेस कॉम्प्लीमेंट उनका यूज हो जाता है, डिफरेंस कितना है, कॉम्प्लीमेंट यहां अब हम इनके कॉम्प्लीमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाले कॉम्प्लीमेंट जो फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी मेथड होगा, सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 वो वाला पार्ट अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो इजीली हम कर पाएंगे। तो आपको पता है बेस का क्या मतलब है कि कोई भी अगर नंबर गिवन है जैसे 29 है, 29 टू डिजिट नंबर है, तो इसके लिए जो बेस होगा इसका बेस नंबर वो हम क्या कहेंगे 100, मतलब 2 जीरो आ जाती है यानी 100। अगर 75 भी है तो उसके लिए भी बेस क्या होगा 100। लेकिन अगर 589 है 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर के लिए बेस जो होगा वो हम क्या कहेंगे 1000, मतलब 30 आ जाएगा। 4 डिजिट नंबर है 4584, तो इसके लिए जो बेस होगा वो क्या होगा 10,000। 4 डिजिट नंबर है तो 40 आ जाएंगे, 5 डिजिट नंबर होगा तो 50 आ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर एक्स का क्या मतलब है कि उस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर, उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर को, कॉम्प्लीमेंट को हम एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर कोई नंबर गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कोई भी नंबर गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका क्या मतलब है नंबर में कॉम्प्लीमेंट ऐड करने से वो बेस नंबर के इक्वल आ जाए तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। यानी इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, किसी भी नंबर का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब क्या है नंबर इस साइड चला जाएगा तो बेस में से नंबर माइनस हो जाएगा, कोई भी नंबर दे दिया जाए जैसे मान लो 75 है, आपको कहा जाता है 75 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 का मतलब क्या, 75 का बेस क्या है 100, 100 में से 75 माइनस करो, 100 में से 75 माइनस करेंगे तो वो क्या होगा 25। लेकिन अब हम ये 100 में से 1000 में से 10000 में से अगर ये नंबर माइनस करने हैं तो इसके लिए जो ट्रिक करेंगे बड़ी अच्छी ट्रिक है, मजा आ जाता है उस ट्रिक को सॉल्व करने में, अदरवाइज अगर विदाउट दैट ट्रिक अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें से गलती होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर उस ट्रिक का पता है तो इजीली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे इस ट्रिक का जो नाम है वो क्या है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, मतलब ये नंबर है जैसे 645, इसको का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब वैसे हम इसको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो जैसे ये 645 है हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या कहता है, ये वाली ट्रिक यूज कर दो, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, मतलब ये लास्ट जो है, ये जो लास्ट है इसमें इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी जो भी बचती है उनको 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जो बाकी जो बचेगी उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी क्या आएगा 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5, 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3। और ये माइनस करना भी इजी हो जाता है क्योंकि ऊपर जो हमने डिजिट लिए वो लार्जेस्ट डिजिट ले ली, इजीली माइनस कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। वैसे अगर आप देखो ये जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 645, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 645 मीनिंग क्या, इसका 3 डिजिट नंबर है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि 1 के बाद 30 लिखेंगे और इसमें से आपने 645 माइनस करना, 1000 में से 645 माइनस करना है। एक आप अपने तरीके से माइनस करके देखें कि अगर आपको 1000 में से 645 माइनस करना है तो एक तो आप अपने तरीके से माइनस करें, एक क्या करें कि इसमें से अगर 1000 में से इसको माइनस करना है तो लास्ट वाली जो डिजिट है उसको 10 में से माइनस कर दें, रिमेनिंग जो डिजिट्स रह जाती है उनमें को 5 में से माइनस करना, उनको 9 में से माइनस कर दें, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। यानी अगर आपसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 135789, अगर इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है तो वैसे तो इस नंबर के कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग बनता है, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, यानी 1 1 2 3 4 5 6, इसमें से आपने माइनस करना है 135789, इसमें से आपने इसको माइनस करना है, इसमें से आपने इसको माइनस करना है, माइनस करते हुए या तो इसको माइनस करो या हमें पता हो कि इस टाइप का नंबर है और इसमें से इसको माइनस करना है,
कॉम्प्लीमेंट वाली ट्रिक समझ लो, या इस टाइप की वन के आगे जीरो 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 है उसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या करना है कि जो 1, 3, 5, 7, 8, 9 ये नंबर है इसमें इसको 10 में से माइनस कर दो, बाकी जो बच जाते हैं उनको 9 में से माइनस कर दो। क्या होगा, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 9 1। मतलब सीधा इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 8 6 4 2 1 1। इसमें से इसको माइनस करके देखना पता चल जाएगा। एक तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे वो आप जाने, लेकिन अगर ट्रिक से करते हैं तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की कोई नंबर गिवन है और उसमें से इसको माइनस करना है, तो सीधा ऑल फ्रॉम 9 लास्ट बट लास्ट फ्रॉम 10, ऑल को 9 में से माइनस करते हैं, लास्ट को 10 में से माइनस करते हैं। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट की जाए ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चन हमें। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है कि ये वैल्यू है और इसमें से मुझे 2, 3, 7, 9 माइनस करना है, 2, 3, 7, 9 माइनस करना है। तो इसमें आपने ये देखना है ये कितनी जीरोज हैं, 5 जीरोज हैं, ये 4 डिजिट नंबर है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर हम इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट कहते तो 10,000 में 1 के बाद 4 जीरो लिख के 4 डिजिट नंबर का कॉम्प्लीमेंट 1 के बाद 4 जीरो में से माइनस करते हैं। लेकिन इस टाइप का भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, तो इसकी जितनी डिजिट्स यहां आती हैं 1 को छोड़कर उतनी ही होनी चाहिए। यानी मुझे अगर देखते हैं, अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखते हैं, ये है हमने इसमें से क्या माइनस करना था, 2, क्या माइनस करना था, 2, 3, 7, 9 ये माइनस करना था हमने इसमें से, इस पार्ट को माइनस करना था। लेकिन ये जितनी जीरो है, जैसे एक जीरो यहां एक्स्ट्रा आ गई ना, तो ये एक जीरो एक्स्ट्रा है तो यहां हमें जीरो लिखना होगा। मतलब 5 जीरो है तो 5 डिजिट नंबर बनाना होगा, 6 जीरो होती तो 6 डिजिट नंबर बना देते एक और जीरो लगा के। और अब वही करना है, इसमें से इसको माइनस करने का 9 9 9 9 और इसमें से 10 माइनस कर दो, बस क्या होगा, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 9 1। यानी इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 9 7 6 2 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 7 6 2 1। अगर इसी वे में होता मेरे पास 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 2 3 अगर ये माइनस करना होता, इस वैल्यू में से 2 2 3 माइनस करना होता, तो क्या करते हम, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोज हैं लेकिन मुझे क्या माइनस करना है, 2 2 3, तो 2 2 3 माइनस करना है। तो 2 2 3 से पहले मैं क्या सोच लूंगा, ये 3 और है ना, तो 1 2 3 जीरोज है। और अब वही ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, यानी इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहां इसकी इन सबको 9 9 में से माइनस करेंगे और इसको 10 में से माइनस करेंगे, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 3 7। यानी ये जो आंसर है वो क्या जाएगा, 9 9 9 777, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, मजा आ जाता है इसको करके। और एक आप अपने तरीके से, जिसको जो पता है इसको सॉल्व करना, उस तरीके से इसको सॉल्व करना और एक इस तरीके से सॉल्व करना। सब्ट्रैक्शन वेरी इजी, वेरी इजी। जैसे अभी है 10 रेज टू द पावर 6 में से 5 2 9 7 माइनस करना है, 10 रेज टू द पावर 6, 10 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 10 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या है, 1 के बाद 6 जीरो, इसमें से क्या माइनस करना है, 5 2 9 7, यानी क्या माइनस करना है, 5 2 9 7 माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे आप, ये देखें 4 जीरोज के नीचे तो ये आ गई, लेकिन ये 2 जीरोज और रह जाती हैं, तो इसके लिए मैं यहां 2 जीरोज यूज करूंगा। और अब बस वही ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, ये हम लिख रहे हैं यहां, ये हम यहां लिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही इसमें से 9 आ गया, यहां 9 आ गया, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 9 0,
10 माइनस 7 3, तो यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 994703, वेरी इजी। इसी वे में ये है, यहां 1 के बाद जीरोस थी लेकिन यहां मेरे पास 4 के बाद जीरोस आ गए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको भी इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि ये जैसे मेरे पास ये 4000 है, इसमें से 453 माइनस करना है तो 453 आ गया, ये माइनस करना है हमें, तो इस 4 को भूल जाओ आप, जैसे 1 को हम भूलते थे। अब ये 3 जीरोस हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोस हैं और 3 डिजिट्स हैं, तो इसके लिए तो वही बनेगा ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, यानी 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 3 7। लेकिन बस ये पहले यहां 1 होता था तो 1 माइनस 1 0 हो जाता था, तो उसको लिखने के लिए बताया ही नहीं जाता था, लेकिन अब ये 4 है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी ये जो वैल्यू वो क्या जाएगी 3547, ये वैल्यू क्या जाएगी 3547। मीनिंग पता हो कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन जो है 9 और 10 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पता नहीं किसमें से करना था। नेक्स्ट डेसिमल वाला आ जाता है 1000 माइनस 38.4528, 1000 है तो ये आपका 1000 है, और ये क्या है 28 पॉइंट आता है आगे, तो इसका मतलब 38 यहां आएगा, 38.4528 ये हमने इसमें से इसको माइनस करना है, तो वही यहां 3 जीरोज हैं लेकिन यहां 2 डिजिट काउंट होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जीरोज हैं तो इसका, और ये 2 डिजिट है तो इसका मतलब मुझे यहां 0 लगाना होगा, इसमें से इसको माइनस करते हुए यहां 3 जीरो थी तो 1 जीरो और लगा के ये वाला पार्ट सेम करना होगा, इस 1 को छोड़ देते हैं, 1 के नीचे 0 लगा के मत कर देना, और अब इसमें से जब इसको माइनस करना था तो यही वही सेम कॉन्सेप्ट डेसिमल वाले में भी, भूल जाओ कि कहीं डेसिमल है, लेकिन बस जहां डेसिमल है वहां डेसिमल लगा देंगे, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, यानी 999999 और 9 माइनस 0 9 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 8 1, पॉइंट है ना ये पॉइंट, तो यहां भी पॉइंट लगा देंगे, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 8 2, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या गई 961.5472, आंसर आ जाएगा सेम ये है 5000 में से। हमें क्या करना है, क्या करना है 5000 में से क्या माइनस करना है 63, टू डिजिट है ना तो 63 पॉइंट 548 माइनस करना था, वही सेम प्लस ये है हमारा, हम ट्राई यही करेंगे जो रूल पहले बताया गया उसी को यूज करते जाएं, अलग अलग रूल्स ना बने, तो वही ये जीरो है तो यहां जीरो आ जाएगी, 5 को अभी नहीं कर रहे, 5 का काम बाद में होगा, वहां 1 होता था तो 1 माइनस 1 0 हो जाता था, बताया नहीं गया, लेकिन वही अब वही ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10 का 9 9 9 9 9 10, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दोगे, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 8 2, लेकिन ये 5 है, 1 था तो एज इट इज आंसर आ जाता, लेकिन 5 है तो 5 में से आप 1 माइनस करोगे, 5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी 4936.452, वेरी इजी, इजीली आप कर सकते हो, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10, ये जब 10 का मल्टीपल नहीं 10,000, 100, 10,000, 10^8 उस टाइप का हो, या लास्ट डिजिट में 4 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, ट्राई योरसेल्फ, और आज के लिए इतना ही, और मुझे विश्वास है कि जो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इजीली समझ में आए होंगे और मजा आया होगा, मैथ्स है सीरियसली भी करना है और मजा भी आना चाहिए, क्योंकि पता है जितना मजा आएगा उतनी ही प्रैक्टिस करने में मन करेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेस क्लियर होगा,
और अगर मजा आया तो कमेंट में लिखें, उसको बताएं सबको कैसा लगा, शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।